हेलो हेलो हेलो, दिस इज अतीश आगुन पाकी फिनिक्स। यूट्यूब पे हमारा डिजिटल लाइब्रेरी बायोलॉजिकल साइंस फेवर इस पेशकश में, इस पावन अवसर में मेंटल एंड फिजिक में मेंटल एंड केमिकल एक्सप्लेनेशन है लव का, मतलब प्रेम का। इसका ये इल्यूशन जो प्रेम या लव में होता है, इल्यूशन यानी कि भ्रम की घाई में कैसे खो जाता है वजूद, आत्महत्या यानी कि खुदकुशी की वजह भी बन सकता है। ये समंदर का रिप कारण जैसा ही है। विज्ञान प्यार का खिलाफ नहीं है, हम भी नहीं, तो फिर सूचित करना बेहद जरूरी है, क्योंकि गलत इमोशन को लूज मोशन की तरह बहलाना सबके बस की बात नहीं। हम जिंदगी को देखे हैं बहुत, इसीलिए सब सही इमोशन को पाले, मतलब सही इमोशन को पहचानने का काबिल बने, हमारा कोशिश है बस यही। हम इसकी खिलाफ नहीं। रूपम इस्लाम जी का गाने का मतलब ये है, ख्वाबों के ये दुनिया कभी कभी अंधेरों में भटकते हुए अगर ये कहते फिर ना आएंगे कभी, ये सोचे सुकून के नशे मन पे क्या होता, यूं ही मर जाते घुटन के अंधेरों में, ये ख्वाबों की दरिया अगर ऐसे सिमट जाते कभी ना लौटने की गुजारिश करके। इल्यूशन यानी के भ्रम, ये केमिस्ट्री ऑफ लव पार्ट 3 का चर्चित विषय है। मिले थे कभी ऐसे, मिलते हैं नदी और सागर जैसे, चल पड़ा जिंदगी सारे गम परेशानी को भुला के, सिर्फ और सिर्फ खुशी और सुकून के लहरों पे। इस दरमिया हुआ कुछ ऐसे, कुछ समय बिताने का बाद सागर नदी को भुला दिए, बन गए नदी के लिए वो रेगिस्तान। ये ऐसे एक आलम है जहां सब थम जाता है, सोचो कैसा कहर बरसाता है वक्त, जब चलता है टूटे इसका ये कारवां। बेचैनी के ये आलम बहुत ही जालिम होता है, हर वक्त हर पल झूठे दिलासे का मोहताज बन जाता है, आस लगाकर बैठे रहते हैं इस इंतजार में कि फिर से महफिल सजेगी, फिर से लौट के आएंगे वो लम्हे जो गुजर गए हैं। दिल है के मानता ही नहीं, खत्म हो गए जो किसी की बेरुखी कारनामों से, दिल को बस चाहिए वही महबूब महबूबा के यादों में, सांसों का हर जर्रा इंतहा देते हैं बेखुदी में जीने की, दोस्तों के झूठा दिलासा ही सही, पर दिल को चाहिए वही, ये दिल है के मानता ही नहीं। भ्रम के गहरी खाई में खो रहा है जिंदगी, पर फिर भी घुटन का कहर सहते सहते दिल ख्वाब देखता है वही, झूठा दिलासा ही सही, उनके बिना जीना नहीं है, ये दिल है के मानता ही नहीं। इल्यूशन इन्हें की भ्रम का चलता है जब करबा, अच्छे अच्छे जिंदगी को मौत यानी कि आत्महत्या का कगार पर खड़ा कर देता। छोड़ो छोड़ो सुसाइड मौत के बाद, जरूरी नहीं है हर इसको जिंदगी भर साथ चलने का इनाम मिले, चाहना यही चाहिए अपना अपना मोहब्बत को इस दुनिया में थोड़ा सा सम्मान मिले। इसीलिए संभालो अपने सोच के कदम और थोड़ा एनालिटिक टाइप का बनो आप, जियो जिंदगी 60-70 सालों का ही तो है, जियो खूब, तोड़ो ये भरम। जरूरी नहीं है हर इसको यहाँ जिंदगी भर साथ चलने का इनाम मिले, चाहना ये चाहिए अपना अपना मोहब्बत को इस दुनिया में थोड़ा सा सम्मान मिले, थोड़ा सा सम्मान मिले। ये तो हम देखा मेंटल यानी कि अपने मानसिक संतुलन कैसे बिगड़ जाता है और ठीक रहता है, इस बारे में अब देखेंगे। हार्मोन मतलब ये जो केमिकल्स है, हार्मोन एक रासायनिक, दिमाग अगर इसका बागडोर संभल ना पाए तो जटिल कुटिल आदमी भी को भी ये बना देता है हसीब, मोह के धुंधले कहरे सोचने का ताकत को बेबस बना देगा। रिश्ते अच्छे हैं तो ठीक है, पर अगर हो वो सौदाई तो जिंदगी में तबाही सिर्फ और सिर्फ तबाही। देखा ये कार्डियल केमिकल मतलब डोपामिन एंड ऑक्सीटोसिन, वो अगर बढ़ जाए मतलब उसका बहुत ज्यादा इंक्रीजमेंट हो जाए तो कैसे
अपनापन हो जाता है, ऐसे घुल मिल जाता है, चिपक जाता है सामने आके नजदीकी आकर। और डॉन में देखा, डोपामिन नॉरेपिनेन में देखा, या क्या कोशिश से कितना उतावलापन, कितने ये घोड़ता रहता है, स्टडीज की तरफ ध्यान नहीं रहता, कहीं भी ध्यान नहीं रहता है, दूसरों को लगता है वो हमारा जहाँ का कोई है ही नहीं। और जाकर हमने नॉरेपिनेन का एक्शन देखा, एड्रेनालिन का एक्शन देखा, हमने टेस्टोस्टेरोन का एक्शन देखा, कम या ज्यादा होने से क्या होता है। अब जाकर हम लोग इस चीज के बारे में जिक्र करेंगे, वो है ये ऑब्सेसिव, इसको अगर देखेंगे तो अगर इतना अच्छा, इतना ज्यादा अच्छा नहीं लगेगा, तो हम देखेंगे इस पार्ट पे मतलब मूड कैसे डिसऑर्डर होता है, तकलीफ क्या होता है इस केमिस्ट्री में, ठीक है। तो हम अगर देखें न्यूरो हार्मोन किस तरीके से उसका निर्गमन होता है, हाइपोथैलेमस से न्यूरो हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन निर्गमन होता है उसका, फिर जाकर वो एंटीरियर नहीं, वो ज्यादातर पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, एडीएच मतलब वहां पर जाकर कुछ देर तक ठहरता, वहां पर उसका स्टोरेज होता, फिर जाकर वो अटैक करता, मतलब किसके कहां पे, हिस्सा कॉन्स्टिट्यूबल्स किडनी पे, ऐसे नेफ्रॉन पे। न्यूरो हार्मोन का काम ऐसे चलता रहता है, वो ज्यादातर न्यूरोसिक्रेटरी सेल ऑफ द सुप्रा ऑप्टिक, एंड पैराबेंट्रिकुलर न्यूक्लियस, ये डोपामिन सेरोटोनिन ये वगैरह हार्मोन, और ये एड्रिनल मेडुला से निर्गमित होने वाला हार्मोन एपिनेफ्रिन है। तो ये जाकर मतलब अगर हम देखें तो नॉरेपिनेफ्रिन का काम क्या होता है, अटेंशन, मोटिवेशन, प्लेजर एंड रिवॉर्ड, मतलब आप अटेंशन करता है, मतलब अटेंटिव, तुम्हारा जो अटेंशन का वजह है वो क्या है, नॉरेपिनेफ्रिन है। मोटिवेशन, जोशील, जो से जवानी, मतलब जोशीला, जवान, जवान क्यों क्यों बोलता है, जय जवान जय किसान, मोटिवेशन वाला बात वो नॉरेपिनेफ्रिन करता है। जैसे प्लेजर, बहुत सुकून मिला खाने का बाद, इतना आराम, इतना आनंद मिला ये बिरयानी का हड्डी चबा के, ये वाला बात, ये प्लेजर, ये आपको कौन देता है, नॉरेपिनेफ्रिन देता है। और रिवार्ड, ऐसे जैसे कोई कोई अच्छा बोला, क्या दिखता है लड़का, क्या लड़की कितनी खूबसूरत है, ये आपको इसका लुत्फ उठाने देता है, जो हार्मोन उसका नाम है नॉरेपिनेफ्रिन। फिर जाकर हम बात करेंगे डोपामिन के बारे में, ये भी एक न्यूरो हार्मोन है, ये जाकर अलर्टनेस, तुमको ध्यान, ये दुनिया किस तरह चल रहा है तुम्हारे, तुमको क्या कौन क्या बोल रहा है, कहाँ हो, किस महफिल में हो, ये जगह मतलब व्यक्तित्व, तो पर्सनैलिटी को वो लेके आता है, और अलर्टनेस पे डोपामिन रहता है। और एनर्जी, मतलब देखता है कोई ज्यादा सारा, मतलब पूरा दिन ऐसे काम करते करते थकता नहीं है, कोई 2000 चक्कर लगा दे और अच्छा नहीं लगता और नहीं कर सकेंगे, तो डोपामिन वाला जो बात है वो नहीं, फिर भी मतलब आखिरी सांस तक लड़ेंगे, ये वाला बात सांस की हर जर्रे में लिखा होता है सक्सेस की भूख, और वहां वो पहुंचने के लिए ऐसे उतावलेपन। तो अब जाकर सेरोटोनिन क्या होता है, ये भाई एक बेचारा सा हार्मोन है, एक तो तुमको बहुत सारा मतलब एटीट्यूड दिखाने वाला काम कर देता है, बहुत आनंद दे देता है। और ऑब्सेशन, या अगर हम देखें तो ऑब्सेशन एंड कॉम्पल्शन, ऑब्सेशन का मतलब है वो बहुत दुखी मन में रह, ये वाला मैं तो सुना हूँ, तो वो ये ऑब्सेशन वाला बात, ये मतलब दुखी मन मेरा सुन मेरा कहना, जहाँ नहीं चाहना वहां नहीं रहना। और कॉम्पल्शन, उतावले हो जाते हैं, तो एक जगह पे ध्यान नहीं रहता, ध्यान भटकता रहता है। तो ये सब तीन हार्मोन का मेल मिलाप मिलके मूड बनता है। कभी मूड कैसा होता है, जैसे हम सिराज हो, सिराज उतरना, हम अकबर है, ऐसे शान से, कभी मुंह ऐसे लटका के, जैसे बहुत सारे पैसा उधार है, लोग घर आ रहे हैं, पैसा दो, पैसे लटका के मुंह ऐसे लटक रहा है ऐसे, और फिर जाके एक थप्पड़ ऐसे मारूंगा, कभी नहीं ऐसे हो जाता। ये मूड, मतलब ये मूड का है, ये संतुलन हमारा डिस्टर्ब रहता है, इसका वजह है डोपामिन, नॉरेपिनेफ्रिन और सेरोटोनिन। और अगर ये लव हार्मोन को देखा जाए तो नॉरेपिनेफ्रिन, डोपामिन, सेरोटोनिन तीनों का ही इसमें हिस्सेदारी है। तो जाकर ये मूड और एंजाइटी का कारण कौन है, ये वाला हार्मोन, तो इसको सोचना पड़ेगा। ये कार्डियल केमिकल्स यहाँ पर भी कैसा मिलता है। और यहाँ जाके दो चीज के बारे में हम जिक्र करेंगे, एक है ग्लूटामिक एसिड, वो एक इनहिबिटर टाइप का है न्यूरो हार्मोन, एक न्यूरोट्रांसमीटर, वो अगर ज्यादा कम हो जाए, ज्यादा हो जाए मतलब इंसान बहुत हाइपर एक्टिव एटीट्यूड वाला हो जाता है, एक्टिवेटेड ज्यादा हो जाता है, जहाँ बकबक करने लगता है, ऐसे दो चार बातें के जगह पे 8-10 बात बोल देता है, अपना बारे में बहुत भौंकता रहता है,
और उसका मतलब उसका घटती मतलब कम हो जाए, तब जाकर क्या होता है, वो अगर घट जाए मतलब उसका प्रेसिपिटेशन कम हो जाता है, निर्गमन कम हो जाता है, तब जाकर वो स्लो हो जाता है, बहुत स्नॉप हो जाता है। और अगर हम देखे गवा गवाइनोब्यूटेरिक एसिड, वो अगर ज्यादा हो जाए तो नींद में चला जाता है, मतलब ऐसे नींद आता रहता है और इंसान अपने संतुलन खो देता है। और वो अगर बहुत कम जाए उसका मतलब तब जाकर इंसान बहुत एटीट्यूड में क्या हुआ, ये सब अगर चलता रहा तो पढ़ाई का तो क्या हुआ। इसीलिए बड़े बुजुर्ग क्या कहते हैं, देखना चाहिए ये तीनों का मेल मिलाप ठीक नहीं रहा तो मूड बिगड़ जाएगा, और बिगड़े हुए मूड पे अगर मन साफ ना हो, ध्यान ठीक से ना जमा हो, तब जाके क्या मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी अच्छा लगेगा, नहीं लगेगा।